दोस्तों अगर आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो और आपका एक 4G फ़ोन है और आप चाहते हैं कि अपने 4G फ़ोन के अंदर 5G इंटरनेट को यूज़ कर पाओ, तो आज के इस वीडियो में जो आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप अपने 4G फ़ोन के अंदर 5G को एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हो। हर किसी के पास 5G फ़ोन लेने के लिए पैसा नहीं होता है और इस टाइम पर आपको भी पता है 5G आने की वजह से हर एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर 5G एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। सभी लोग 5G यूज करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब 4G का स्पीड काफी स्लो हो गया है क्योंकि हर एक लोग अब 5G यूज करने लगे हैं, 5G स्पीड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए अब जो 4G का स्पीड होता है वो काफी स्लो हो गया है। तो आज जो मैं आप लोग ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को आप लोगों को अपने फोन के अंदर अप्लाई कर लेना है, 5G आप लोगों को चलने वाला है। अब यहां पर सबसे पहले हम इस फोन का स्पीड चेक कर लेते हैं, इसका जो अभी यहां पर इंटरनेट स्पीड है उसे हम चेक कर लेते हैं। अब यहां पर हम गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग कनेक्टिंग हो रहा है, उसका थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर स्पीड चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 Mbps के लगभग यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 8 Mbps या फिर 9 Mbps यहाँ पर देख सकते हो, इतना स्पीड हमारा दे रहा है। लगभग यहाँ पर जो होल्ड हुआ है 7 के लगभग, आप यहाँ पर देख सकते हो रुक रहा है 7 या 8 ऐसे यहाँ पर स्पीड दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो ट्रिक है उस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी एक बार चेक करेंगे कि कितना स्पीड दे रहा है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने 4G फोन के अंदर 5G एक्टिवेट करने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा, अपने फोन के अंदर एक नए APN को सेट करना होगा जो आप सभी लोगों को 5G इंटरनेट को प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपने एंड्रॉयड फोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंड्रॉयड फोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेते हो, कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा APN, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नेम, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने APN सेट कर रखा है, सेम वही APN आप लोगों को सेट करना है, कहीं पर भी स्किप मत करना। एक भी वर्ड अगर आपका मिस होएगा, कैसे कैपिटल स्मॉल लेटर या फिर जो भी रहेगा, अगर वो मिस होएगा तो आप APN को सेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है इस APN वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे APN वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो नेम सबसे पहले आता है, नेम, नेम में आपको क्या टाइप करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है स्पीड, बी कैपिटल में रहेगा, OT 5G कैपिटल में R रहेगा, फिर रिकॉल। तो यहाँ पर आपको इतना सेट करना है। इसमें यहाँ पर हमने दो कैपिटल यूज किया हुआ है, एक B N एक R, तो यहाँ पर दो कैपिटल वर्ड को यूज करना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आता है APN, APN के अंदर आपका जियो 5G लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आपको यूज करना है 5G ZEN और यहाँ पर 2 डाल के ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। अब आता है प्रॉक्सी को ऐसे ही छोड़ देना है, पोर्ट आता है, उसके बाद आता है यूजर नेम। तो यूजर नेम में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप देखते हो 5G G कैपिटल में हमने यूज किया हुआ है, फिर जियो HEX, यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर है, यहाँ पर सिर्फ G कैपिटल में रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आता है पासवर्ड, पासवर्ड को ऐसे ही रहने देना है। अब आता है सर्वर, ये सर्वर काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर आपको किसका सर्वर यूज करना है, हमने यूज कर रखा है गूगल का, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, www.google.com, तो यहां पर आपको गूगल का सर्वर यूज करना है, तो गूगल का ही सर्वर होता है, तो यहां पर हम www.google.com कर देते हैं। अब आता है MMSC को ऐसे ही छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी इसको भी छोड़ देना है, MMS प्रोट को भी छोड़ देना है। अब यहां पर दो कोड आता है MCC और MNC, तो ये दोनों कोड यहां पर जो रहता है नंबर, सेम वैसे ही रहने देना, आपको नंबर ना ही कम करना है ना ही ज्यादा करना है। अब आता है ऑटोनेटिकेशन टाइप, तो यहां पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अगर नॉन पे रहेगा तो आपको PAP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आता है APN टाइप, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है APN टाइप को, तो यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा तो डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे रहने देना है। उसके बाद आता है नीचे APN का प्रोटोकॉल, APN प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर IPv4 पे सेट रहेगा या IPv6 पे रहेगा, तो यहाँ पर जो दोनों है ना, दोनों पे सेट रखना है, ताकि अगर ऊपर नीचे रहेगा तो आपको नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिले, तो यहाँ पर कर लेना है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर नीचे आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी क्लिक करके सेम रख देना है।
IPv4 IPv6 पे रख देना है। उसके बाद आता है बिरर, बिरर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपको चार यूज करना होगा, यहाँ पर पहला NLTE, दूसरा हो गया फिर उसका दिए हो गया, और ये यहाँ पर आपको चार यूज करना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है MVNOT, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे नॉन पे रहने देना है। उसके बाद अब क्या करना है, अगर आपने पूरा सही तरीके से चेक कर लेना है, एक बार सही तरीके से अगर आपने सेट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसका सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका स्पीड बोर्ड 5G कॉल यानी कि ये वाला APN आपका आपके फ़ोन के अंदर सेट हो जाता है। अब जैसे ये वाला APN आपका सेट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरनेट जो है एक बार यहाँ पर बंद होकर के चालू होता है। उसके बाद यहाँ पर हम आपके इंटरनेट के स्पीड को भी हम वापस से चेक करके दिखा देते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर ओपन करेंगे और यहां से हम वापस से चेक करके देख लेते हैं। तो यहां से हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद अब वापस से हम यहां पर चेक करने वाले हैं इंटरनेट स्पीड। तो हमारा कितना दे रहा था, 7 से 8 पे ही रुक रहा था। तो यहां पर हम वापस से हम चेक करेंगे कि कितना अभी स्पीड दे रहा है। तो यहां पर गो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं और उसका देखते हैं अभी कितना स्पीड दे रहा है। तो कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसका चेक कर लेते हैं। यहां पर अभी देख सकते हो यहां पर 15, 13, 14, 15 यहां पर इतना स्पीड दे रहा है, कहां 7 और 8 का स्पीड दे रहा था। अब यहां पर देख सकते 12, 13, 14 का स्पीड दे रहा है, यहाँ पर दोस्तों 12, 13। अब आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही चेक किया है। अब यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपको स्पीड भी हमने दिखाया कि कितना स्पीड दे रहा है। पहले यहाँ पर 6 से 7 की दे रही थी, उसके बाद डायरेक्ट 12, 13, 14 का स्पीड दे रहा है। यानी कि इस APN को यूज करके आप लोग भी अच्छा खासा इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।